दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लॉब कंप्रेसर या रूट्स ब्लोअर, जो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है, इसके विषय में बात करने वाला हूँ। ये फ्लूड या एयर को इनटेक से अपने अंदर खींचता है और उसे हाई वेलोसिटी से आउटलेट से डिस्चार्ज करता है। इसमें क्या होता है, इनटेक से एयर, कंप्रेस्ड एयर आता है। जैसे ही लॉब घूमता है, इधर से इधर जाता है, तो ये जो एयर है, ये कॉम्प्रेस ये इसके लॉब से टकराता है और टकरा कर इसका वेलोसिटी काफ़ी हाई हो जाता है और यहाँ से ये डिस्चार्ज पोर्ट की तरफ निकल जाता है। उसी तरह ये लॉब जो है, जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसके अंदर का जो ये एयर है वो इस तरह से घूमेगा और इसके अंदर के एयर को ये काफ़ी वेलोसिटी से फोर्स करेगा और ये फोर्स होकर आउटलेट की तरफ डिस्चार्ज होने लगता है। इसमें दो लोब लगे हुए हैं जो एक्सटर्नल गियर के द्वारा कनेक्ट होते हैं और इस तरह से टाइम किए हुए होते हैं कि लोब्स का आपस में कांटेक्ट नहीं होता और ये मिनिमम क्लियरेंस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब चलिए देखते हैं एक रनिंग लॉब कंप्रेसर को। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक लॉब कंप्रेसर है। इसमें एक मोटर लगा हुआ है और ये सामने जो फिल्टर दिख रहा है, यहाँ से एयर लॉब कंप्रेसर के साइलेंसर से होते हुए लॉब कंप्रेसर के अंदर जा रहा है। कंप्रेसर के कूलिंग के लिए वाटर लाइन लगा हुआ है जो इस लॉब कंप्रेसर को कूल करते रहता है। ये आउटलेट साइलेंसर है, उसके आगे सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि इसमें प्रेशर का एक लिमिटेशन होता है, यानी वन बार से ज़्यादा प्रेशर हम लोग इसमें नहीं रख सकते हैं। इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका डिस्चार्ज लाइन एक वाटर टैंक में लगा हुआ है और टैंक में वाटर भरा हुआ है जिसका हाइट HMM है, टैंक के बॉटम से। तब होगा ये कि डिस्चार्ज लाइन में एयर जमा होने लगेगा और तब तक जमा होते रहेगा जब तक इसका प्रेशर H से थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाता। जब इसका प्रेशर HMM से ज़्यादा होगा, तब यह वाटर के टैंक से एयर बबल के रूप में बाहर आएगा, लेकिन पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्लो रेट और टोटल प्रेशर हेड पर। तो जैसे जैसे प्रेशर हेड बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन भी बढ़ने लगेगा। एक लॉब कंप्रेसर इस प्रेशर को बियर करने में सक्षम होता है, पर कुछ मैकेनिकल लिमिटेशन होता है। जैसे इसके लिए एक हमें पावर बढ़ाना पड़ेगा, इसके साथ साथ कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और साथ साथ इसके एयर का जो स्लिप होने का केस होता है वह भी बढ़ जाएगा। यह सब कारण होता है जो एयर कूल्ड कंप्रेसर के प्रेशर को 7000 mm ऑफ वाटर और वाटर कूल्ड कंप्रेसर के प्रेशर को 10000 mm के mm ऑफ वाटर पर लिमिट कर देता है। यही कारण है कि यह पार्टिकुलर प्रेशर पर अच्छा काम करता है, निकलता है। ये कंप्रेसर का डिसेंबल किया हुआ पार्ट है। देखिए, ये इनलेट पोर्ट है जिसके अंदर से एयर अंदर की तरफ जाता है। डिफ्यूजर है जो एयर को डिफ्यूज कर देता है। ये इसका आउटलेट पोर्ट है जहाँ से एयर बाहर की तरफ आता है। इसमें एक ये भी लगा हुआ होता है, प्रेशर गेज। ये देखिए, इधर में टाइमिंग गियर लगा रहता है बेयरिंग के साथ साथ, जो लॉब को कंट्रोल करता है, उसे आपस में कॉन्टेक्ट